हाय फ्रेंड्स, टेक्नो साइंस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोजाना नए नए टेक्नोलॉजी रिलेटेड और नए नए न्यूज अपडेट्स लेके आता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक कंफ्यूजन वाला जो मैटर है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो कि है पोस्ट बॉक्स नंबर और पोस्ट बैग नंबर और प्राइवेट मेल बैग नंबर। जी हाँ, मैंने बहुत बार देखा है कि इस दोनों नंबर पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है कि पोस्ट बैग नंबर और जो पोस्ट बॉक्स नंबर, ये दोनों आखिर क्या है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को पोस्ट बैग नंबर और प्राइवेट मेल बैग नंबर और पोस्ट बॉक्स नंबर, इस दो नंबर के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन सा नंबर क्या काम करता है और उन दोनों में क्या फर्क है। तो फिर प्लीज आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पोस्ट बॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो आखिर ये पोस्ट बॉक्स क्या है? तो पोस्ट बॉक्स, मान लीजिए पोस्ट बॉक्स जो नंबर है वो आपकी नजदीकी कोई भी पोस्ट ऑफिस पे जाकर आप कभी भी जो एक लॉकर और रेंट पे ले सकते हो, ठीक है। तो हर एक पोस्ट ऑफिस या फिर बड़े पोस्ट ऑफिस में एक पोस्ट बॉक्स की सुविधा होती है। उसमें क्या होता है कि आपको एक लॉकर दे जाएगा और उस लॉकर का एक इंडिविजुअल नंबर होगा जो कि आपको आपकी डॉक्यूमेंट पे डिनोट होगा, ठीक है। तो फिर आप उस नंबर को आप अपने रिलेटिव या फिर कोई भी किसी भी दोस्त को अगर दे दीजिए, तो फिर उस पोस्ट बॉक्स नंबर पे अगर कोई भी चाहे आपको कोई भी मेल या फिर कोई भी गिफ्ट ये सब वगैरह भेज सकते हैं, और आपके पास एक चाबी भी होगा उस लॉकर का। तो फिर आप कभी भी जाकर, महीने में एक या फिर दो बार जाकर आप उस लॉकर को खोलकर अपना जो गिफ्ट है आप उस पोस्ट ऑफिस से अपने पास ले आ सकते हो। और दोस्तों, ये जो पोस्ट बॉक्स है वो साइज के मुताबिक उसका जो रेंट है वो लागू होता है। मान लीजिए कि अगर आपको छोटे साइज का पोस्ट बॉक्स चाहिए, मतलब छोटे साइज का लॉकर चाहिए, तो फिर आपका जो एक एनुअल रेंट होता है, मतलब साल में एक बार देना पड़ता है आपको, वो कुछ कम होगा। अगर आपको बहुत ही बड़ा साइज का चाहिए तो फिर आपका एनुअल रेंट है वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और दोस्तों, ये पोस्ट बॉक्स है, इसका जो सुविधा है वो हर एक पोस्ट ऑफिस में मौजूद नहीं रहता है। बड़े बड़े शहरों में ज़्यादातर होती है और छोटे छोटे शहरों में भी होती है। मेनली ये पोस्ट बॉक्स आपके लिए एक सेफ डिपॉजिट लॉकर है, जो कि पोस्ट ऑफिस में आपको अगर कोई भी मेल प्राइवेटली भेजना चाहे तो फिर उस पोस्ट बॉक्स में आकर वहाँ पर जमा हो जाती है, या फिर कोई भी गिफ्ट्स वगैरह। और दोस्तों, पोस्ट बैग नंबर और प्राइवेट मेल बैग, जो कि पोस्ट बॉक्स से बिल्कुल अलग है। मान लीजिए अगर एक बहुत ही बड़ी कंपनी आप चला रहे हो, ठीक है, तो फिर आपके पास तो बहुत सारा मेल आएगा, बहुत सारा इंक्वायरी, बहुत सारा गिफ्ट्स, बहुत सारा डॉक्यूमेंट आता जाएगा। तो फिर पोस्ट ऑफिस वाले क्या करते हैं कि आपको एक अलग ही पोस्ट बॉक्स दे देते हैं, जो कि आपकी खुद का जो कंपनी या फिर आपकी खुद की जो होम है उस एड्रेस पे। इसके मतलब अगर आपको कोई भी मेल या फिर कोई भी गिफ्ट या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भेजे तो फिर वो पोस्ट ऑफिस में नहीं आएगा, वो सीधा आएगा आपके पास जो मेल नंबर है या फिर बैग नंबर आपकी घर की एड्रेस में पोस्ट बॉक्स में आएगा, ठीक है। और ये ज़्यादातर कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी या फिर कोई भी बहुत ही बड़ा जो प्राइवेट कंपनी, उन लोगों की ही मिलता है, आम आदमी के लिए अवेलेबल नहीं है। और ये जो नंबर कुछ इस तरह से होती है कि मान लीजिए आपकी कंपनी का जो बिल्डिंग का नाम है या फिर उस स्ट्रीट, इसका मतलब उस रास्ते की जो नाम है, उस नाम के मुताबिक एक नंबर के साथ वो जो पोस्ट बैग है वो डिनोट होती है। ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्री में ये पोस्ट बैग सर्विस बहुत ही यूज़ होती है, और नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की कंट्री में भी ये यूज़ होती है। और एग्जांपल की बात करें तो फिर ये पोस्ट बैग नंबर उस बिल्डिंग की या फिर कंपनी का जो नाम है उस बिल्डिंग और वो जिस स्ट्रीट पे मौजूद है उस रास्ते का नाम से जनरेट होती है। मान लीजिए अगर ऑस्ट्रेलिया में एक पोस्ट बैग नंबर है तो फिर उस कंपनी का नाम और उसके नीचे जो पोस्ट बैग नंबर है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, और उस कंट्री का नाम ऐसे ही वो होती है। तो ये पोस्ट बैग और प्राइवेट बैग दोनों बिल्कुल अलग तरीका की सर्विस है। एक है एक पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको एक लॉकर मिलता है, और प्राइवेट मेल बैग जो कि आपकी खुद की जो एड्रेस, कंपनी की एड्रेस या फिर आपकी होम की एड्रेस, वहाँ पर आपको एक जो पोस्ट बॉक्स की तरह ही एक सर्विस मिलती है, ठीक है।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको अब पोस्ट बैग और पोस्ट बॉक्स इन दोनों की जो कन्फ्यूजन है आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। और अगर आपको और भी कुछ जानना है तो फिर प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए, और कुछ पूछना है तो प्लीज वो भी इस नीचे दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो फिर इसे लाइक कीजिए, और नहीं तो इसे डिसलाइक भी कीजिए, और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए क्योंकि मैं आप लोगों को रोजाना इस तरह की वीडियो देना पसंद करूंगा। और आज बंगाली की जो तारीख है वो फर्स्ट तारीख है बंगाली के कैलेंडर के मुताबिक, तो फिर आज बंगाली के कैलेंडर के हिसाब से नए साल आ गया है। तो हर एक बंगाली फ्रेंड के लिए मेरे तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपका जो नया साल बहुत ही अच्छे से शुरुआत हो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने आसपास साफ सफाई रखिए क्योंकि एक कदम स्वच्छता की ओर।